चलो अभी कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज पे कुछ आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ। अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर इज फिल्ड विथ वाटर। टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज माइनस थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर थीटा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। द शेल इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर एंड ऑल वाटर कम्स डाउन टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन इट स्टार्ट फ्रीजिंग फ्रॉम द आउटर सर्फेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द शेल। Assuming shell to be highly conducting, calculate the time for the whole mass of water at 0 degree centigrade to freeze. Total time निकालना है जब वो पूरा का पूरा ice आपका freeze कर जाएगा। Thermal conductivity of ice K दिया हुआ है and latent heat of fusion आपका L दिया हुआ है। आपको density of water भी आपको rho दी हुई है, ठीक है? Okay. Situation एक बार draw कर लेते हैं। ये सोचो ये शेल है एंड इसके अंदर में हमने पूरा का पूरा वाटर इनिशियली फिल कर रखा है। ये पूरा का पूरा आपका वाटर से फिल्ड है। दिस इज एंटायरली वाटर, दिस इज वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बाहर में आपका माइनस थीटा डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी फ्लो करेगा ना, करेगा? यस सर। और अगर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ अगर हीट एनर्जी फ्लो कर रहा है, मतलब अंदर से बाहर फ्लो कर रहा है, और वाटर अगर 0 डिग्री से हीट एनर्जी लूज करेगा तो वो सॉलिडिफाई करना स्टार्ट करेगा ना, करेगा? हाँ सर, हाँ सर। और ये जो सॉलिडिफिकेशन हो रही है उसकी, वो आउटर सर्फेस से हो रही है, ये उसने कह रखा है, ठीक है? आउटर सर्फेस से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगी। तो अगर मैं थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन शो करूँ, किसी भी एक रैंडम टाइम टी का सिचुएशन शो करूँ, किसी भी एक रैंडम टाइम टी का, तो थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन मुझे ऐसा दिखना है। ये सोचो अगर मान लेते हैं कि थोड़ा लेयर ऑफ आइस बन चुका है, ठीक है? थोड़ी लेयर ऑफ आइस ग्रो कर चुकी होगी, मतलब ये वाला जो लेयर है ये आइस है, दिस इज आइस एंड यहां पे वाटर है आपका अंदर में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये अभी सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, इधर पे वाटर है। इसकी रेडियस एक वेरिएबल रेडियस होगी, ये रेडियस हम वेरिएबल मान रहे हैं, स्मॉल आर। शेल का रेडियस आपका कैपलर, ये फिक्स रेडियस का है, ठीक है? तो अब अगर आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ से कितना हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम फ्लो कर रही है, ठीक है? तो अगर आप देखोगे, मैंने एक सेक्शन एडवांस लेक्चर पे किया था रेडियल फ्लो ऑफ हीट एनर्जी का, किया था आपने, फॉलोअप किया था रेडियल फ्लो ऑफ हीट एनर्जी वाला सेक्शन आपने देखा था, मैंने एक अपलोड किया था वीडियो। ये देखो ये हीट एनर्जी आपकी रेडियली फ्लो करेगी, इसमें इसमें आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड हीट एनर्जी फ्लो करेगी अंदर से बाहर, और इसमें अगर हीट करंट अगर हम एच कह रहे हैं तो ये एच की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस करेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, 0 माइनस माइनस थीटा का एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, थिकनेस है कैपलर माइनस स्मॉल आर एंड डिवाइडेड बाई के ए। के ए में ए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एरियाज लेना पड़ेगा, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एरियाज मतलब 4 पाई R1 R2, R1 इनर शेल का रेडियस एंड R2 आउटर शेल का रेडियस। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है? ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है? अब ये हीट करंट की वैल्यू को अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी से लिखता, थर्मल कंडक्टिविटी से तो लिख लिया यहाँ पे। अब सोचो अगर इस एच की वैल्यू को अगर मैं dQ/dt लिखो, ऑल्सो अगर सोचो आप dQ/dt की बात करते हैं आप, तो dQ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर से मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पतला लेयर ऑफ आइस फॉर्मेशन हो गया फर्दर, तो इसकी वैल्यू को आप कैसे लिखोगे? ये dQ/dt में ये रेडियस का चेंज मान लो आपका dr का रहा है, dQ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर से dr का चेंज आया है, तो dQ/dt को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, dm/dt इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, है ना?
आप डीएम बाई डी टी की वैल्यू को क्या लिखोगे? व्हाट विल डीएम बाई डी टी बी? डेंसिटी इंटू थिकनेस, 4 pi r² एरिया इंटू थिकनेस इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इंटू लेट इंटू फ्यूजन. ये लिखोगे ना? लिखोगे या नहीं? हाँ सर. ठीक है, ये 4 pi r² डी आर की वैल्यू आपने सब्सिट्यूट कर ली है. अब इसकी वैल्यू को फर्दर इन दोनों को इक्वेट करते हैं. तो यहाँ पे इक्वेट करोगे क्या लिखोगे? हीट करंट तो बेसिकली डी क्यू बाई डी टी है, तो थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर एंड इनटू के इनटू 4 pi r dr 4 पाई स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर एंड दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू 4 pi r² dr डिवाइडेड बाई डी टी इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. देखो एक बार चेक करो, समझ आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर. हां सर. ठीक है. अच्छा, ये डी आर की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव. नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे हमें एक नेगेटिव डालना चाहिए था आपकी तरफ से, है ना? ठीक है, ये नेगेटिव क्यों डाला? सिंस पॉजिटिव नेगेटिव डी आर इज नेगेटिव. ठीक है ना, डी आर नेगेटिव है इसलिए वहां पे नेगेटिव डाला है. तो यहाँ पे भी आपको एक नेगेटिव डालना पड़ेगा. अब देखें यहाँ पे ये 4 pi तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बच रहा है आपके पास एक्सप्रेशन थीटा इंटू के इंटू कैपिटल आर इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर. यार ये है ना? ठीक है ना? हाँ सर. तो थीटा के आर इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन जीरो से लेके टाइम टी तक, that will be minus of rho into latent heat of fusion into capital R minus small r into dr into sorry into r dr into r dr and this limit is to be capital R say zero. होगा ना? क्योंकि initially देखो ये start कहाँ से किया था हमने? small r का value initially कितना था? capital R था ना? हाँ sir. था ना? और बाद में finally जब पूरा का पूरा ice पूरा ice बन जाएगा तो small r का value कितना हो जाएगा? zero हो जाएगा. जीरो है सर. तो लिमिट जीरो से आर नहीं है, कैपिटल आर से जीरो है. समझ आई ना आपको? यस सर. ठीक है, कोई अगर यहाँ पे माइनस नहीं डालता और जीरो से आर लिख देता तो भी सही हो जाता. हो जाता नहीं है ना? हाँ सर. ठीक है, इंटीग्रेशन में अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हो तो एक नेगेटिव तो आ ही जाएगा, तो वो नेगेटिव आपका प्लस हो जाता. ठीक है, सो दिस बिकम्स थीटा के इनटू आर इनटू टी एंड दैट बिकम्स रो इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो ये कैपिटल आर इंटू आर स्क्वेयर बाई टू माइनस ऑफ आर क्यूब बाई थ्री एंड इसका लिमिट अब आप जीरो से आर डाल दो. देखो मैंने नेगेटिव को अंदर कर दिया. ठीक है ना, समझ आ रही है? लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, लिमिट्स इंटरचेंज कर दिया. सो दिस बिकम्स रो इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये हो जाएगा आर क्यूब बाई टू आर क्यूब बाई सिक्स आर क्यूब बाई थ्री. सो थ्री माइनस टू इज वन, तो ये हो जाएगी आर क्यूब बाई सिक्स आ गई है. दैट्स इट, हो गया अभी यहाँ पे. सो टी की वैल्यू आ गई आपके पास रो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय सिक्स टाइम्स ऑफ थीटा के इनटू आर. आंसर होगा, अच्छा एक आर और कट गया. सो दिस बिकम्स रो इनटू लेटेंट ऑफ फ्यूजन इनटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्स थीटा के. हो गया, क्लियर है? यस सर. यस सर. मान लो ऐसा एक क्वेश्चन है, मान लो ये कोई भी एक मटेरियल दे रखा है और इस मटेरियल की इनर रेडियस R1 है एंड आउटर रेडियस मान लो आपको R2 दे रखा है एंड दिस हैज एन इनर टेम्परेचर ऑफ T1 एंड आउटर टेम्परेचर ऑफ T2. स्फेरिकल शेल है ये दे रखा है. स्फेरिकल शेल हैज मटेरियल ऑफ यूनिफॉर्म
कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के, यूनिफॉर्म कंडक्टिविटी दे रखी है उन्होंने, और उन्होंने ये पूछा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एट विच द टेम्परेचर विल बी एवरेज ऑफ इनर एंड आउटर टेम्परेचर. ये आपको फाइंड आउट करनी है. अंदर का टेम्परेचर T1 है, बाहर का टेम्परेचर T2 है. आपको ये बताना है कि कहां पे बेसिकली टेम्परेचर जो है वो एवरेज ऑफ इनर एंड आउटर होगा. तो ऐसा करते हैं, इसमें जैसे मान लेते हैं कि हमने एक शेल बना लिया, मतलब एक और पतला सा एक, यू नो, एक रेडियस का एक स्फीयर बना लिया है. ये रेडियस हमने सेंटर से मान लेते हैं आर ले रखा है, ठीक है. दिस रेडियस इज आर. तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो टेम्परेचर हम बात कर रहे हैं, इसकी जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये टेम्परेचर हमें कितना मिलना चाहिए? T1 plus T2 divided by 2 मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए? हाँ सर. तो अगर ये देखोगे, जैसे इसको सोचो, अगर मैं ये वाला एक रीजन बात करूं, ये वाला एक रीजन देखो, R1 से लेके R तक वाला जो रीजन है, और दूसरा रीजन मैं बात कर रहा हूँ R से लेके R2 तक वाला रीजन, ठीक है. इसको रीजन वन कह रहे हैं और इसको रीजन टू कह रहे हैं. रीजन वन का जितना टेम्परेचर ग्रेडियंट है और रीजन टू का जितना टेम्परेचर ग्रेडियंट है, क्या वो दोनों सेम है? अच्छा, टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस. हाँ सर. है नहीं है? यस सर. ठीक है. तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि जैसे हीट करंट, तो आपको पता है हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए सेम होती है, तो हीट करंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हीट करंट आपका फर्स्ट रीजन से जो मिलना चाहिए और सेकंड रीजन से जो मिलना चाहिए सेम होना चाहिए, क्योंकि तो स्टेडी स्टेट का कंडीशन है, ठीक है. दिस इज एट स्टेडी स्टेट, ये तो स्टेडी स्टेट का कंडीशन ही है. तो हीट करंट हम निकालते कैसे? टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करके. सो देयरफॉर अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस फर्स्ट रीजन का बात करूं, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रीजन ले, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रीजन, दिस शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सेकंड रीजन डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड रीजन. बट टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों का सेम ही है. है नहीं है? हाँ सर. हाँ सर. इसका का क्या कंक्लूजन निकला? कि थर्मल रेजिस्टेंस जो फर्स्ट रीजन के मिल रही है और थर्मल रेजिस्टेंस जो सेकंड रीजन की मिल रही है, ये दोनों सेम होनी चाहिए, राइट? यस. और थर्मल रेजिस्टेंस अगर आपको सेम चाहिए, तो थर्मल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिख लो. थर्मल रेजिस्टेंस स्फेरिकल शेल्स के लिए क्या होती है? एल बाई के ए में एल क्या लिखते हैं हम? रेडियस का डिफरेंस. तो आर माइनस ऑफ आर वन डिवाइडेड बाई के ए, तो k into arithmetic mean of the geometric mean of the areas, so 4 pi into r one, this should be equal to thermal resistance second वाले के लिए, so this should be capital R two minus r and divided by k into 4 pi into small r into r two. समझ आ गया? समझ आ गया? हाँ सर. 4 pi k R, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया. तो फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन जो आ रही है, स्मॉल r into r2 minus r1 r2 is equal to r1 r2 minus of r into r1. So small r को कॉमन ले लिया, ये हो गया r1 plus r2, and इधर से आ रही है आपके पास 2 r1 r2. So therefore small r की वैल्यू हो गई है 2 r1 r2 divided by r1 plus r2. क्लियर है? यस. ठीक है. ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है. और नॉन कंडक्टिंग वेसल कंटेनिंग n moles of a diatomic gas is fitted with a conducting piston. Conducting piston दे रखा उन्होंने. Non conducting vessel है. Diatomic gas है. Keywords को मैं जैसे underline कर रहा हूँ. N moles दिया हुआ है.
the cross sectional area thickness and conductivity, ये सारा दे रखा है. ओके, cross sectional area दे रखा है, thickness दे रखा है and conductivity दे रखा है. The right side of the piston is open to atmosphere. Okay, piston open to atmosphere ये भी दे रखा है. Good. And temperature T naught है. ठीक है. Heat is supplied to the gas by means of an electric heater at a constant rate. Okay. Heat, एक electric heater है, constant rate से heat supply कर रहा है. Temperature of the gas is a function of time निकालना है. Maximum temperature of the gas निकालना है. Ratio of maximum volume to the minimum volume निकालना है. ये पिस्टन है, ये एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, मतलब यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट, ये सब मेंटेन रहेगा. इसकी थिकनेस उसने दे रखी है एल है, ये थिकनेस एल है. और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मार्क कर रखी है ए है. एंड यहाँ पे एन मोल्स डायटोमिक है, एन मोल्स डायटोमिक गैस दे रखा है. और यहाँ पे एक हीटर भी कनेक्ट किया है, और ये हीटर इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है एक कॉन्स्टेंट रेट से, dQ by dT, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की अगर बात करें यहाँ पे dQ by dT ऑफ हीटर लिख देते हैं हीटर का. सो दिस विल बी इक्वल टू Q, ये स्मॉल Q दे रहा है. देखो डेटा सारा मैंने कलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना? यस सर. ये A है और ये कंडक्टिविटी है. ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करनी है कि टेम्परेचर ऑफ द गैस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी. देखो जितनी हीट एनर्जी इसको मिल रही है गैस को, क्या वो सारा हीट एनर्जी अपने पास रखेगा या थोड़ा बाहर भी निकाल देगा? बाहर भी निकाल देगा. बाहर भी निकालेगा. आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ से देखो, यहाँ से इसके वॉल्स के थ्रू यहाँ भी तो कंडक्शन होगा ना, होगा ना? कंडक्टिंग पिस्टन बोले, ये डीक्यू बाई डीटी कंडक्टिंग पिस्टन है, तो यहाँ पे कंडक्शन होगा. मतलब कुछ हीट एनर्जी इसको मिल रही है गैस को और कुछ वो रिलीज भी कर रहा है सराउंडिंग को, तो नेट हीट एनर्जी वो कितना अब्सॉर्ब कर रहा है ये हम निकाल सकते हैं क्या, इन माइनस आउट करके, है ना? हाँ सर. राइट, सो dQ by dT नेट जो मिलेगा दैट विल बी dQ by dT हीटर ने जो दिया है, हीटर ने जो दिया है, माइनस dQ by dT जो आपके कंडक्शन के थ्रू निकल जा रहा है. हीटर का रेट ऑफ इनफ्लो ये तो कांस्टेंट है, क्यू ले दिया, एंड माइनस ऑफ डीक्यू बाय डीटी कंडक्शन का जब हम लिखेंगे तो कंडक्शन का डीक्यू बाय डीटी कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करेंगे, करेंगे ना? यस सर. राइट, तो इसकी टेम्परेचर इस टाइम पे मान लेते हैं टेम्परेचर टी है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब टी माइनस टी नॉट एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब एल बाय के ए, तो एल डिवाइडेड बाय के इनटू ए. देखो तो सही है क्या, ठीक है ना? तो इसको लिख लिया Q माइनस ऑफ के ए बाय एल एंड इनटू टी माइनस ऑफ टी नॉट, ठीक है, ठीक है. हाँ सर. और ये गैस का भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन किस तरह का है, आइसोबेरिक है ना, क्योंकि कांस्टेंट एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट एक्सपेंड कर रहा है. हाँ सर, कांस्टेंट प्रेशर आइसोबेरिक, दिस इज आइसोबेरिक एक्सपेंशन. आइसोबेरिक एक्सपेंशन का यूज करना है आपको, तो इसका मतलब है लास्ट स्टेप में मैं कैसे ऐसे, अच्छा नहीं, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू सी पी इंटू डी टी बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैन वी राइट दैट? हाँ सर. ठीक है, सी पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, डायटोमिक गैस है तो एन इंटू सी पी, सी पी कितना हो जाएगा, सेवन आर बाई टू होगा ना, सेवन आर बाई टू. हाँ सर. And that will be Q minus of K A into by L into T minus of T naught हो जाएगा. अब variable को separate करके बस integrate करना, और कुछ बचा नहीं है, main आपका यही तक था. So N times of 7 NR divided by 2 into DT divided by Q minus of K A by L into T minus of T naught is equal to DT. And अब आप इसको integrate कर लो. इंटीग्रेट करने के लिए इनिशियल एक कुछ एक टेम्परेचर रही होगी, उसको टी नॉट मान लेते हैं, टी इनिशियल के लिए टी आई कुछ ले लेते हैं, एंड बाद में टाइम टी पे टी हो गया, और ये जीरो से लेके टी तक कैलकुलेट कर लेंगे.
तो यहाँ से आपको मिलेगी 7nr by 2 एंड यहाँ से हो जाएगा ln of q minus of ka by l into t minus of t naught divided by q minus of ka by l into ti minus of sorry minus of t naught एंड टी का कोफिशिएंट था के ए बाई एल तो के ए बाई एल से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे सो होल क्वांटिटी डिवाइड बाई के ए बाई एल हो जाएगा सॉरी के ए बाई एल एंड दिस इज इक्वल टू टी हो जाएगा ठीक है ना ठीक है हाँ सर अब यहाँ से देखो हम टी की अच्छा इनिशियल टेम्परेचर उसका कितना दिया था गैस का नॉन कंडक्टिंग वेसल कंटेनिंग द राइट साइड ऑफ द पिस्टन इज ओपन टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर टी नॉट ठीक है ये डेटा एक मुझे लग रहा है कम दिया है यहाँ पे मैंने मतलब इक्वेशन में ही डेटा कम है क्योंकि गैस का इनिशियल टेम्परेचर बताया नहीं है गैस का इनिशियल टेम्परेचर फिर आपको टी नॉट मान लेना पड़ेगा क्योंकि इनिशियली उसी सराउंडिंग के साथ ही रहता है ना जब हम हीटर से हमने हीट करना स्टार्ट नहीं किया था तब बाहर का और अंदर का टेम्परेचर सेम होता है कि नहीं क्योंकि कंडक्टिंग वॉल है नहीं है ना तो इनिशियल टेम्परेचर जो होता है ये इनिशियल टेम्परेचर किया था टी आई जो है इसको हमने इनिशियल टेम्परेचर माना है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस माना है एंड ये आपका टी नॉट ही रहेगा सिंस पिस्टन आपका कंडक्टिंग है तो इसकी वैल्यू को यूज कर लेते हैं ठीक है तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ एन आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल एन ऑफ ये तो टी ना टी आई को तो टी नॉट ही डाल दिया तो ये तो वैनिश कर जाएगा तो 1 माइनस ऑफ के ए बाई एल इंटू अच्छा क्यू भी रहेगा यहाँ पे टी माइनस ऑफ टी नॉट एंड दैट इज इक्वल टू के ए इंटू टी डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा एंड देयरफॉर 1 माइनस ऑफ के ए बाई एल क्यू इंटू टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर 2KAT divided by 7NRL and therefore T ki value becomes T naught plus ye T minus T naught is this so T will be T naught plus T over K sorry QL divided by KA into 1 minus of e to the power 2KAT divided by 7NRL. Check karo ek baar. Yes, sir. हाँ सर था ठीक है ठीक है ना इसको देख लो सॉरी जैसे सर ये क्या 1 प्लस e टू द पावर 2 के t बाय 7 एन आर एल होगा हाँ बेटा तुम कुछ बोल रहे थे बोलो एक बार बोलो फिर से क्या बोल रहे थे नहीं सर ठीक है
ठीक है कोलिजन, हाँ ठीक है ठीक है। मैं बस एक बार कैलकुलेशन सारा चेक कर लेता हूँ एक बार, टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस ये तो ठीक है। अरे रे रे रे, यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ इंटीग्रेशन में देखो आप जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में नेक्स्ट स्टेप में देखो जो के ए बाय एल से डिवाइड किया है, वो के ए बाय एल से डिवाइड होगा या माइनस के ए बाय एल से डिवाइड होगा? टी का कोफिशिएंट कितना है देखो, माइनस के ए बाय एल है ना, दिख रहा है? अरे यहाँ पे देखो ये वाला, ये देखो ये कितना है, है ना? तो माइनस आएगा यहाँ पे, बस एक चीज यहाँ पे ये माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ठीक ठीक है, अभी तो ये हमने टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट यू हैव गॉट। सेकंड पार्ट में उसने हमसे ये पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर कब निकालेंगे? देखो देखो, इनिशियली जब हम इस हीटर कॉइल से इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो वो हीट एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब कर रहा है और कम कंडक्ट कर रहा है, बट जैसे जैसे उसकी टेम्परेचर बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी बढ़ता जाएगा, तो उस केस में कंडक्शन का रेट ऑफ ट्रांसफर जो है वो भी बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा बढ़ेगा ना, जो कंडक्शन के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालते हैं वो टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस ही तो करते हैं, और जैसे जैसे अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी बढ़ रही है, तो कंडक्शन का रेट बढ़ रहा है, जबकि हीट हम जो हीटर के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो एक कॉन्स्टेंट रेट से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेम्परेचर जब मैक्सिमम होगा तब जिस रेट से हीट आ रही होगी उसी रेट से हीट चली जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर और टेम्परेचर हम नहीं बढ़ा पाएंगे, समझ आ रही है? ठीक है, तो जब टेम्परेचर आपकी मैक्सिमम होगी तो इनफ्लो हीट का और आउटफ्लो हीट का एग्जैक्टली सेम हो चुका होगा, क्लियर है? क्लियर है? एज टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस द टेम्परेचर डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग increases to, therefore conduction rate of heat transfer increases to, conduction rate of heat transfer increases to, but heat rate of supply by heater is a constant. Therefore, at some instant, the rate of heat supplied by heater will become equal to heat rate of conduction. Thereafter, temperature won't change. And this will be the maximum temperature. This will give us maximum temperature. So, ab condition kya likho gaya? dq by dt of heater, this should be equal to dq by dt of conduction at maximum temperature. तो बस values को substitute कर ले, तो dq by dt of heater कितना था, q ये तो constant था, and dq by dt of conduction कितना था, temperature difference by resistance, so t max minus t naught and divide by resistance, resistance कितनी है, L by KA, बस इसको यूज कर लो, सो टी मैक्स बिकम्स टी नॉट प्लस क्यू एल डिवाइडेड बाई के ए, समझ आई आपको, समझ आई है? अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, थर्ड पार्ट उसने क्या बोला था,
what is the ratio of maximum volume to the minimum volume. Okay, minimum मतलब तो initially था. एक चीज देखो आप, अगर आप देखोगे तो इस पिस्टन के लिए जो एक्सपेंशन होगा तो PV equal to NRT अगर आप यूज करोगे, PV equal to NRT यूज करें, तो प्रेशर जो है ये कांस्टेंट है ना, है या नहीं है? आइसोबेरिक है ना, राइट? नंबर ऑफ मोल्स ये भी कांस्टेंट है ना, राइट? इसका मतलब V by T ये भी तो कांस्टेंट होगा. इसका मतलब क्या, ऐसा लिखा जा सकता है V naught divided by V max, that should be equal to T naught divided by T max. लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना. अब उसने क्या पूछा था, देखो एक बार चेक करो, what is the ratio of maximum volume to minimum volume, यही तो पूछा है. इन्वर्स कर लो, उल्टा ही कर लो, उल्टा कर देते हैं. V max by V naught is equal to T max by T naught. And T max आप ऑलरेडी निकाल चुके ऊपर वाले स्टेप में, इसको T naught से डिवाइड करना है. So this will be 1 minus of QL divided by KA into T naught. हो गया आंसर, समझ आया? समझ आ गई है? हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? Last. बोलो क्या डाउट है? सर प्लस होगा, प्लस होगा. हाँ हाँ, अरे अरे सॉरी, हाँ प्लस होगा. ठीक है, ठीक है बेटा. चलो अभी एक सिमिलर सा क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे इसको. ठीक है, इसको करते हैं. करो, देखो क्या आ रहा है. ट्राई करो, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है. इसको एरिया बॉक्स बोल रखा है उन्होंने, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, इसको बॉक्स बना लेते हैं. आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना? हाँ बेटा बोलो. Thank you.
ठीक व्हाट अटेम्प्ट मैं करूं करूं मैं देखो मैं कर रहा हूँ देखो डायग्राम बनाया मैंने डायग्राम जो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है ओके इसकी टेम्परेचर को हम मान लेते हैं लेट अस से कि टेम्परेचर किसी भी इंस्टेंट पे ये टी हो चुका है ये टेम्परेचर को हम टी मान लेते हैं एट टाइम टी किसी भी एक टाइम टी पे मैंने टेम्परेचर को टी मान रखा है तो अंदर से बाहर डेफिनेटली हीट एनर्जी फ्लो कर रही है तो डी क्यू बाई डी टी अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम कैलकुलेट करें तो ये आप टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस आराम से कर सकते हैं तो टी माइनस ऑफ टी नॉट बाई टू ये सराउंडिंग का टेम्परेचर आप ले लेंगे उसको टी एस ही लिख देते हैं एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आप एल बाई के ए करेंगे एल मतलब थिकनेस होता है तो यहाँ पे टी नॉट है डिवाइडेड बाई के ए तो थर्मल कंडक्टिविटी के एंड एरिया ए ये दिया हुआ है अब ये डी क्यू बाई डी टी को आप अगर दूसरी तरह से लिखो जो गैस के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिखे अगर गैस का जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड है ही नहीं है रिजिड बॉक्स कहने का मतलब क्या हुआ रिजिड बॉक्स कहने का मतलब क्या हुआ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा आइसोकोरिक प्रोसेस है और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो यहां से आप डायरेक्टली dq by dt को क्या हम ऐसा लिख सकते थे दिस वुड बी n into cv into dt by dt लिख सकते थे क्या बट ये n cv की वैल्यू देखो उसने क्या दे रखी है ये दे रखी है उन्होंने c दे रखी है देखो गिवन है ये दिख रहा है मोलर हीट कैपेसिटी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बोला हमने मोलर हीट कैपेसिटी नॉट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसे आप कैलोरीमेट्री में करते थे याद है आपको एक हीट कैपेसिटी होता था और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता था याद है आपको नहीं याद है बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ पे उन्होंने बोला होता मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो आप नंबर ऑफ मोल्स एन के साथ वो सी को मल्टीप्लाई करते बट यहाँ पे उन्होंने मोलर हीट कैपेसिटी बोल रखा है मतलब एन सी वी का वैल्यू दिया उन्होंने तो अब इसकी वैल्यू को हम यहां से लिख सकते हैं देखो टी माइनस ऑफ टी एस इंटू के ए बाई टी नॉट इज इक्वल टू सी इंटू डी टी बाई डी टी बस एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है साइन का क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिक्रीज कर रही है टी नॉट से फाइनल इसको तो टी नॉट बाई टू पे जाना है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रही है और टेम्परेचर डिक्रीज कर रही है मतलब डी टी बाई डी टी खुद एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा तो नेगेटिव क्वांटिटी होने की वजह से यहाँ पे आपको एक नेगेटिव अपनी तरफ से डालना पड़ेगा तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा ठीक है ये नेगेटिव क्यों डाला आपको समझ आया क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है ठीक है ना ठीक है सो dt डिवाइडेड बाय t माइनस ऑफ ts इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय t माइनस ts इज इक्वल टू माइनस ऑफ ka डिवाइडेड बाय ct नॉट इनटू dt और अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो इनिशियल टेम्परेचर t नॉट था एंड आपको क्या करना था टेम्परेचर का फंक्शन ऑफ टाइम निकालना था एंड बाद में आप t पे निकालोगे तो ये जीरो से लेके टी तक इंटीग्रेट कर लोगे हो गया सो ये हो गई आपके पास ln ऑफ टी माइनस ऑफ टी एस डिवाइडेड बाय टी नॉट माइनस ऑफ टी एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ए टी डिवाइडेड बाय सी टी नॉट एंड देयरफॉर टी माइनस ऑफ टी एस तो टी नॉट बाय टू है इसको लिख लेते हैं टी नॉट बाय टू डिवाइडेड बाय टी नॉट बाय टू is equal to minus of ka अच्छा e to the power हो जाएगा e to the power minus of ka into t by c t naught and therefore t की value becomes t naught by 2 and ये t naught by 2 plus t naught by 2 into e to the power minus of ka t by CT okay. ये हो गया टेम्परेचर का फंक्शन टाइम ठीक है क्लियर है ठीक है सर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है देखने
ये मैं करता हूँ, देखो जाओ. A black plane surface at a constant temperature TH is parallel to another black plane surface at a constant temperature TL. Between the plates is vacuum. In order to reduce the heat flow due to radiation, a heat shield consisting of two thin black plates, thermally isolated from each other, is placed between the warm and cold surfaces and parallel to these. After some time, steady state conditions are observed. By what factor eta is the stationary steady state heat flow reduced due to the presence of heat shield? Neglect end effects. ठीक है, अब देखो ये सिचुएशन दो दो पार्ट में. पहला उसने क्या रखा है, यहाँ पे हीट शील्ड दे रखा है, हीट शील्ड नहीं दिया है, मतलब ये दो प्लेट्स है. सोचो ये दो प्लेट्स हैं, एक को हमने हाई टेम्परेचर पे टी एच पे ले रखा है और एक को लोअर टेम्परेचर टी एल पे ले रखा है, और ये ब्लैक बॉडीज है उसने क्या रखा है. ठीक है, अनदर ब्लैक प्लेन सर्फेस ले रखा है, मतलब ब्लैक बॉडीज की तरह आपको ट्रीट करनी है. तो इनके बीच में डेफिनेटली आपका हीट एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा, यहां से यहां हीट एनर्जी की फ्लो हो रही होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ. तो ये जो हीट फ्लो का रेट है, ये एच निकालने के लिए आप ये कर सकते हैं, स्टीफन्स लॉ यूज करेंगे. सिग्मा एमिसिविटी तो 1 हो जाएगा इनटू एरिया ऑफ प्लेट्स इनटू टेम्परेचर टी एच का पावर 4 माइनस टी एल का पावर 4. ये समझ आ रही है आपको, हाई टेम्परेचर की तरफ से राइट की तरफ जा रहा होगा, लोअर टेम्परेचर की तरफ से लेफ्ट की तरफ आ रहा होगा. ठीक है ना, समझ आ रही है आपको. ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने बोला कि यहाँ पे अब हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब एक हीट शील्ड लगा रहे हैं. हीट शील्ड लगाने के बाद उसने क्या किया, जैसे यहाँ पे एक प्लेट था और यहाँ पे एक प्लेट था, ये टी एच पे था एंड ये टी एल पे था. अब हमने क्या किया, यहाँ पे दो और प्लेट इसके पैरल लगा दिया है ऐसे, और इसके लगाने से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हीट फ्लो का रेट है एच डैश वो अब रिड्यूस हो चुका है. तो किस फैक्टर से रिड्यूस हुआ है ये आपको फाइंड आउट करनी है. दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड. तो इनके बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर मान लेते हैं, ये लेट्स से कि ये टेम्परेचर टी वन आ चुका होगा इसका एंड ये टेम्परेचर टी टू आ चुका होगा. तो देखो, तो एच डैश की वैल्यू अगर हम लिखें, एच डैश की वैल्यू, तो एच डैश की वैल्यू लिखें फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट रीजन के लिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा ए इंटू टी एच का पावर 4 माइनस ऑफ टी वन का पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं फर्स्ट रीजन के लिए. हाँ सर, हाँ सर. ओके, सेकंड रीजन के लिए बताओ क्या लिखोगे आप, सिग्मा ए इंटू टी वन का पावर 4 माइनस टी टू का पावर 4 लिखोगे, टी वन का पावर 4, यस सर. थर्ड रीजन के लिए क्या लिखोगे, सिग्मा ए इंटू टी टू का पावर 4 माइनस ऑफ टी एल का पावर 4 लिखोगे, टी टू का, यस सर, हाँ सर. अब इन तीनों को ऐड कर दो, एक एडिशन करने से देखो एक एडवांटेज क्या होगा, ये दोनों कटेगा, ये दोनों भी कट जाएगा, तो 3H डैश बच रहा है. 3H डैश इज सिग्मा ए इंटू टी एच का पावर 4 माइनस ऑफ टी एल का पावर 4, दिख रही है आपको, दिख रही है. और ये वाली क्वांटिटी क्या थी, H थी ना, H, इसका मतलब H डैश कितनी हो गई है, H बाई 3, इसका मतलब जो हमें ईटा दे रखा था उसने कितनी हो गई है, 3 हो गई है ना. ठीक है, तो इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो, जैसे दो प्लेट्स डाला तो दो शील्ड की तरह बोल रहे हैं, तो दो शील्ड की वजह से फैक्टर 1/3 हो जाएगा. देखो तीन स्पेस बन रहा है ना, दो शील्ड की वजह से कितने स्पेस बन रहे हैं, तीन स्पेस बन रहे हैं, समझ आ रही है. अगर तीन शील्ड डालोगे तो कितना स्पेस बनेगा, 4. ये दोनों भी क्या ब्लैक बॉडीज है, हाँ हाँ वो भी ब्लैक बॉडीज है, वो नहीं बोल रहा था ना, हम ब्लैक बॉडी ही मान रहे हैं, नहीं थिन ब्लैक प्लेट्स. देखो उसने क्या रखा, देखो ये देखो थिन ब्लैक प्लेट्स दिख रहे हैं, ओ क्या है ना, हाँ सर, ठीक है, हाँ. और वैसे भी नहीं देते तो भी, नहीं देते तो भी हम उसको ब्लैक बॉडी ही ट्रीट करते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, ठीक है, नहीं तो फिर एमिसिविटी की जरूरत पड़ती. तो एनीवेज जो मैं बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि जितने प्लेट्स आप बीच में डालोगे उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ गैप मिलेगा, और जितना गैप मिलेगा उसी के फैक्टर से आपका हीट करंट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, हाँ सर, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम से अगर एक इस तरह क्वेश्चन आता है तो जितना प्लेट है प्लस 1 कर देंगे, उसी फैक्टर से आपका हीट रेट का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा. क्लियर है, यस सर. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं.
मान लेते हैं ये एक मटेरियल है, इसकी यंग्स मॉडुलस y1, एरिया a1 एंड लेंथ l1 दी हुई है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी आपको अल्फा 1 दी हुई है, और ये दूसरा रॉड है, इसके लिए y2 a2 l2 एंड अल्फा 2 दे रखी है, ठीक है। एंड उसने कह रखा है द टेम्परेचर ऑफ सेटअप is increased by delta theta. Find the shift in junction. Junction में कितना shift आएगा ये आपको find out करना है, ठीक है। ऐसे question मैंने एक बार class में कराया था, अगर आपको याद हो तो कराया था class में, उसमें मैंने ये rod को एक spring से connect किया था, rod को spring से connect किया था, याद है? You remember that? थर्मल स्ट्रेस में, तो सेम चीज यहाँ पे भी करना है। हम पहले क्या करते थे, स्ट्रेटजी याद है आपको, पहले हम मानते थे कि मान लेते हैं कि अगर फ्री एक्सपेंशन होता तो फ्री एक्सपेंशन होता तो कितना एक्सपेंशन होता वो पता चल जाता हमें, तो जैसे इसका फ्री एक्सपेंशन होता तो डेल्टा L1 ये हम निकाल सकते थे, डेल्टा L1 वुड बी L1 इंटू अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा, ये होता ना, होता ना? हाँ सर, राइट। सिमिलर तरीके से अगर यू नो दूसरे वाले रॉड के लिए अगर निकालते तो इसमें जो एक्सपेंशन होता, दिस एक्सपेंशन वुड हैव बीन डेल्टा L2 विच इज L2 इंटू अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा, बट दोनों तो साइमल्टेनियसली एक्सपेंड नहीं कर सकता, कोई एक ही एक्सपेंड करेगा ना, है ही नहीं है? कोई एक ही एक्सपेंड करेगा, मुझे नहीं पता कौन एक्सपेंड करेगा, किसी एक को आप मान लो कि एक्सपेंड कर रहा है, किसी भी एक को, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि जो मोटा रॉड है वही एक्सपेंड किया है, ठीक है। तो फाइनली जो एक्सपेंशन के बाद जो फाइनल जो स्पेस आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिख रहा है, मान लेते हैं कि हमारा मोटा वाला रॉड जो है वो यहां तक आ चुका है एक्सपेंड करके, कितना दूर, एंड जो पतला वाला रॉड है वो कॉम्प्रेस हो चुका है, पतला वाला रॉड एक्चुअली कॉम्प्रेस हो गया ना, yes. कोई नहीं हो गया, ठीक है। तो हाँ, ये जो चेंज आई है, ये अगर देखोगे रेड वाला मतलब जो मोटा वाला रॉड है उसका जो कॉम्प्रेशन आया है, इनफैक्ट कॉम्प्रेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे, ठीक है, तो एक्सपेंडेड लेंथ के रिस्पेक्ट में तो कॉम्प्रेशन ही है ना, है ही नहीं है, है ना। लेट अस से कि जंक्शन का जो शिफ्ट माना है हमने उसको एक्स माना है, तो ये एक्स को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज डेल्टा L1 माइनस एक्स, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और देखो जो पतला वाले रॉड में जो फ्री मतलब जो नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में कॉम्प्रेशन है, दैट कॉम्प्रेशन इज डेल्टा L2 प्लस एक्स, है या नहीं है? है? अब अगर ये इक्विलिब्रियम आ चुका है तो इधर से जो रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो रही होंगी और इधर से जो रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो रही होंगी वो दोनों सेम होना पड़ेगा ना, राइट। तो फोर्सेस आपके सेम होने चाहिए, तो F1 और F2 ये आपका इक्विलिब्रियम पे सेम होना चाहिए। फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं आपको याद है, K इक्विवेलेंट इनटू X इलोंगेशन, याद है, है ना? तो K इक्विवेलेंट इनटू K इक्विवेलेंट मतलब K इक्विवेलेंट फर्स्ट रॉड का इनटू उसके लिए जो चेंज आया लेंथ का, दैट इज डेल्टा L1 माइनस X, और F2 जो है वो है K इक्विवेलेंट सेकंड वाले रॉड के लिए, एंड उसके लिए जो कॉम्प्रेशन आई है दैट इज डेल्टा L2 प्लस X। समझ आया आपको? समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? K इक्विवेलेंट आपको पता है, K इक्विवेलेंट कितना है, y a by l, तो y1 a1 डिवाइडेड बाय l1, एंड इसका K इक्विवेलेंट कितना है, y2 a2 डिवाइडेड बाय l2, दैट्स इट। सो अब इसको रीअरेंज करना है बस, तो हमारे पास K इक्विवेलेंट फर्स्ट रॉड का into x plus k equivalent second rod ka into x is equal to k equivalent first rod ka into delta L1 minus k equivalent second rod ka into delta L2. That's it. So therefore x ki value mil gayi hai. This becomes k equivalent first rod ka into delta L1
माइनस के इक्वेलेंट सेकेंड रॉड का इनटू डेल्टा एल टू डिवाइडेड बाय के इक्वेलेंट वन प्लस के इक्वेलेंट टू. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दे तो वाई वन ए वन बाई एल वन इंटू एल वन अल्फा वन इंटू डेल्टा थीटा माइनस ऑफ वाई टू ए टू बाई एल टू इंटू एल टू अल्फा टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई वाई वन ए वन बाई एल वन प्लस वाई टू ए टू बाई एल टू. ये एल वन कट गया, ये एल टू कट गया एंड व्हाट यू गेट इज y1 a1 alpha 1 minus y2 a2 alpha 2 into delta theta divided by y1 a1 by l1 plus y2 a2 by l2. ठीक है, समझ आया? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि जो एक्सपेंडेड लेंथ है वो फ्री लेंथ, मतलब जो एक्सपेंडेड लेंथ है वही नेचुरल लेंथ है, और नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में ही आपको इलॉन्गेशन कंप्रेशन कंपेयर करना होता है. ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर. ठीक है सर, नीच का पार्ट एक बार दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे. सर यहाँ पे अल्फा टू होगा शायद. हॉस्पिटल हाँ अल्फा टू सही कह रहे. ठीक है, हाँ सर.